नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के नूर कॉलेज में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनता के एक लिंगायत संघ बेलगावी जिले में अपने मठ में आज सुबह अमृत पाए गए। दुष्कर्म के आरोपी लिंगायत साधु को 14 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 9 सितम्बर तक पूरे कर्नाटक में भारी बारिश की भविष्यवाणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को किया सम्मानित। संबोधन में मातृभाषा में पढ़ाई पर दिया जोर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत। समर्थन में मिले 48 वोट, विरोध में कोई वोटिंग नहीं। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर के प्रसिद्ध नूर शिक्षण संस्थान में सभी विभाग के छात्रों द्वारा शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज कॉलेज में छात्रों ने शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया, जिसमें जीतने वाले शिक्षक को पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा छात्रों ने अपने प्रिय शिक्षकों के सम्मान में भाषण कर सबको भावुक किया और उन्हें उपहार देकर अपना प्यार जताया। इसके अलावा आज कॉलेज में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, केपी न्यूज के सहायक संपादक समीर खान, साहित्य कॉलेज के शिक्षक आदि उपस्थित रहे। शिक्षक दिवस देश भर में हर साल भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक थे। शिक्षक और छात्र का संबंध आज के दौर में काफी बदल गया है। पहले जहां शिक्षकों को आदर और सम्मान की भावना से देखा जाता था, आज के दौर में शिक्षक मार्गदर्शक के साथ साथ छात्रों के दोस्त भी हैं। इसके अलावा यह बड़ा बदलाव है कि आज के दौर के विद्यार्थी गुरु को मात्र अपने एकेडमिक तक ही सीमित कर दिया है, लेकिन यह उनकी विचारधारा कुछ हद तक गलत है, क्योंकि शिक्षक के लिए विद्यार्थी कितना भी उच्च स्थान प्राप्त कर ले, वह तब भी उनके लिए शिक्षक ही रहता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ते देख खुश होता है। यह जरूरी है कि आज के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आदर और मान सम्मान की भी शिक्षा देनी चाहिए। आज जिले भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। लोगों ने अपने गुरुओं से मिलकर उन्हें बधाई दी, तो वहीं कुछ ने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी और शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के एक लिंगायत संत बेलगावी जिले में अपने मठ में आज सुबह मृत पाए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री गुरु मदिवालेश्वर मठ के दृष्टा बसवा सिद्धलिंग स्वामी को उनके अनुयायियों और परिचकों ने उनके आवास पर फांसी पर लटका पाया। पुलिस ने उसका कथित सुसाइड नोट बरामद कर लिया है और उसकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। नोट की सामग्री का अभी पता नहीं चला है। सूत्रों का कहना है कि दृष्टा कथित तौर पर एक वीडियो से परेशान थे, जिसमें दो महिलाओं को कर्नाटक के कुछ मठों में यौन उत्पीड़न के कथित मामलों पर चर्चा करते देखा गया था। श्री मुर्गा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुर्गा शरणरू को चित्रदुर्ग की एक जिला अदालत ने 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दृष्टा पर संस्थान में रहने वाली 15 और 16 साल की दो नाबालिग छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है। इससे पहले शुक्रवार 2 सितंबर को 64 वर्षीय साधु को स्थानीय अदालत ने 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य पुजारी का शनिवार को चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में कई तरह के चिकित्सकीय परीक्षण हुए। सूत्रों ने कहा कि जांच के लिए उसके खून और बालों के नमूने भी लिए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे जिला अस्पताल लेकर आई, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। रविवार 4 सितंबर से बेंगलुरु तटीय कर्नाटक के 3 जिलों और राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने जा रही है। कोडगु, शिवमोगा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उड़पी और चिकमंगलूर जिलों में 5 सितंबर के बीच येलो अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। राज्य में एक महीने से लगातार बारिश जारी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि खतरनाक तेज हवाओं की भविष्यवाणी की गई है। अगले 4 दिनों तक उत्तरी जिलों बीदर, कलबुर्गी, विजयपुरा, गदग, धारवाड़, हावेरी और दावणगेरे में बारिश होने की संभावना है। इस बीच सप्ताह के पहले दिन सोमवार 5 सितंबर बेंगलुरु शहर में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। बीजापुर जिले के बाबलेश्वर तालुका में संगापुर क्रॉस पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार, जिसकी पहचान परसप्पा चन्नप्पा के रूप में की गई, उसे पुलिस ने 1,00,000 रुपए मूल्य गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले को बीजापुर एक्साइज पुलिस ने दर्ज कर जांच आदि शुरू की है।
बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर 9945283920, 8482127। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टेक्ट नंबर 9880004034। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहाँ घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियाँ, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहाँ पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर दुकान ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1 इंडस्ट्रियल इस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 0848222710। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि अगर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में की जाए तो इन क्षेत्रों में प्रतिभाएं और निखर कर सामने आएंगी। वह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने अपने स्कूली शिक्षकों के योगदान को याद किया, जिनकी वजह से वह कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली लड़की बनी थी। उन्होंने कहा, अगर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए तो इन क्षेत्रों में प्रतिभाएं और निखर कर सामने आएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी कहा कि भारत की स्कूली शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। उनके समर्थन में 48 वोट पड़े हैं और विरोध में कोई वोटिंग नहीं हुई है। हालांकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। इससे पहले वह सदन की बेल में खड़े होकर हंगामा कर रहे थे। बता दें कि झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस एक दिन के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत प्रस्ताव ही पेश करने वाले थे। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रांची वापस आ चुके थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में कई चुनावी वादे किए और एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने सरदार पटेल के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, सरदार पटेल किसानों की आवाज थे। बीजेपी एक ओर उनकी सबसे ऊंची मूर्ति बनाती है और दूसरी ओर उन लोगों के खिलाफ काम करती है जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। राहुल ने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति लगाई लेकिन स्कूल बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि पटेल आज होते तो वह भी यह नहीं चाहते। दिल्ली में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के एक लीगल एडवाइजर का शव उनके दक्षिणी दिल्ली स्थित आवास में गुरुवार को लटका मिला। CBI के लोधी रोड कार्यालय में उप कानूनी सलाहकार के पद पर तैनात 48 वर्षीय जितेंद्र कुमार S 22 टाइप 4 हुडकू प्लेस स्थित अपने घर में लटके पाए गए। कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के मूल निवासी थे। वही इस मामले में अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दावा किया कि CBI के एक अधिकारी ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर उन्हें झूठे आबकारी मामले में फंसाने के लिए दबाव डाला गया था। सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल विधायकों की खरीद फरोख्त करके गैर भाजपा राज्यों में सरकार को अस्थिर करने के बारे में सोचते हैं। अफगानिस्तान में एक बड़े धमाके की खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को रूसी दूतावास के गेट पर धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह धमाका हुआ वहां पर लोग वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस धमाके में दूतावास के दो कर्मचारियों समेत 20 लोगों की मौत हुई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सुष्मिता सेन और ललित मोदी का हुआ ब्रेकअप, ललित मोदी ने दिए ये संकेत। अब समाचार खेल जगत के। एशिया कप इंडिया वर्सेस श्रीलंका, भारत के लिए जीत जरूरी, श्रीलंका से मुकाबला कल। अंत में समाचार बाजार के। विंडफॉल टैक्स को लेकर सरकार को कई आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। इसे लेकर आज सोमवार को
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सफाई दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स का फैसला अचानक नहीं बल्कि इंडस्ट्री के साथ परामर्श से बढ़ाया गया है। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बीदर के नूर कॉलेज में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनाता के एक लिंगायत संघ बेलगावी जिले में अपने मठ में आज सुबह अमृत पाए गए। दुष्कर्म के आरोपी लिंगायत साधु को 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 9 सितंबर तक पूरे कर्नाटक में भारी बारिश की भविष्यवाणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 46 शिक्षकों को किया सम्मानित। संबोधन में मातृभाषा में पढ़ाई पर दिया जोर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत। समर्थन में मिले 48 वोट, विरोध में कोई वोटिंग नहीं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।